हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में शॉर्ट में हम ये सब समझेंगे बट इनकी एग्जाम्पल को और ब्रॉडली समझने के लिए हम वीडियो को दो पार्ट में पढ़ेंगे जो नेगेटिव स्पीशीज इंटरेक्शन में जो फर्स्ट फॉर है पैरासिटिज्म इस वीडियो में कवर करेंगे और सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में जो है ना हम लोग न्यूट्रलिज्म कॉमनसिलिज्म प्रोटोकॉपरेन और म्यूचुअलिज्म को कवर करेंगे फिर उसके बाद लास्ट में हम कुछ सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में कुछ नीट लेवल के और यूजीसी नेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो न्यूट्रलिज्म न्यूट्रलिज्मिज्म म्यूचुलिज्म में सेकंड वीडियो में डिस्कस

सेम स्पीशीज के लिए हो, तो वो अपने रिप्रोडक्शन के लिए कर रहा हो या अपने सर्वाइवल के लिए या कहीं ना कहीं दूसरे ऑर्गेनिज्म वो शेल्टर जो है ना उसको मिल रहा हो तो इन वजह से ऑर्गेनिज्म जो है ना आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है और इंटरक्शन के बाद हमेशा पॉजिटिव हो दोनों को फायदा हो ऐसा बिल्कुल नहीं होता इंटरेक्शन के बाद यहां पर देखिएगा हम अगर अपने नेगेटिव स्पीशीज इंटरेक्शन क्या होता है कोई और, दो ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करें दोनों में से एक को या दोनों को नुकसान हो रहा हो तो वो नेगेटिव स्पीशीज इंटरेक्शन के अंदर आता है जिसमें आपका कंपिटिशन एमेंसिलिजम कोई असर नहीं कर रहा इंटरेक्शन क्या होता है दो स्पीशीज आपस में एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं या इंटरेक्ट कर रहे हैं इंटरेक्ट करने के बाद दोनों में से एक को या दोनों को अगर फायदा हो तो ये पॉजिटिव स्पीशीज इंटरेक्शन के अंदर आता है जिसमें हमारा कॉमेंसिलिज्म प्रोटोकॉपरेशन और म्यूचुअलिज्म है तो यहाँ पे स्पीशीज इंटरेक्शन जो है ना ब्रॉडली टू कैटेगरीज में बांटा जाता है जैसे कि हमारे पास पहला है इंट्रास्पेसिफिक स्पीशीज इंटरेक्शन ये क्या होता है जब भी स्पीशीज इंटरेक्शन जो है ना सेम मेंबर ऑफ गिवन स्पीशीज के अंदर हो रही हो तो वो इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन के अंदर आता है और जो कि फॉर एग्जाम्पल टाइगर और टाइगर आपका इंटरेक्ट कर रहा है ठीक है और उसी तरह से हमारे पास दूसरा होता है इंटरस्पेफिक इंटरेक्शन मीन जब आपके जो स्पीशीज इंटरेक्शन जो है ना वो डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में हो रहे हो देन वी कॉल इट इड इन ए इंटर स्पेसिफिक टाइगर और लाइन के बीच में हो रही हो और कभी कभार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरेक्शन विद इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड कौन सा आएगा इंट्रा स्पेसिफिक कम इंटरेक्शन और इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन विद इन द पॉपुलेशन पॉपुलेशन का डिफिनेशन हमें पता कि अगर नहीं पढ़ा तो प्रीवियस वीडियो में मैंने सारा डिस्क्राइब करा हुआ है वो सेम स्पीशीज के अंदर होता है तो पॉपुलेशन के अंदर सेम स्पीशीज होगा तो सेम स्पीशीज के को हम लोग क्या कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन और कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरेक्शन विद इन द कम्युनिटी इज़ कॉल्ड विद इन द कम्युनिटी में आपके बहुत डिफरेंट स्पीशीज़ आएंगे सेम स्पीशीज़ भी आएंगे तो विद इन कम्युनिटी में आपका इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन भी आता है और इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन भी आता है क्योंकि कम्युनिटी एक ऐसा एरिए में के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सबको कंसिडर किया जाता है फिर उसके बाद स्पीशीज़ इंटरेक्शन जो कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर जो इंटरेक्शन होते हैं ना उनको जनरली हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू दियर इफेक्ट मीनस एक दूसरे के ऊपर इंटरेक्ट uh, करने के बाद क्या इफेक्ट डाला उसी हिसाब से हमने नाम दिया है और ऑडम ही वॉज एन एग्रेड इकोलॉजिज इन्होंने जो है ना हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के इंटरेक्शन बताया है जिसको हम वन बाई वन इस नीचे वाले टेबल में देखेंगे और यहाँ पे ये कुछ साइन है पॉजिटिव मीन्स उस स्पीशीज को बेनिफिट हो रहा होगा नेगेटिव मीन्स उस सभी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट या मीन्स उसको नुकसान हो रहा होगा जीरो मीन्स उस स्पीशीज पर इंटरेक्शन के बाद कोई इफेक्ट नहीं असर पड़ नहीं पड़ रहा ठीक है ये चीज़ याद रखिएगा तो ओडम के हिसाब से टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन में सबसे पहला है हमारा कंपटीशन देखिए स्पीशीज वन और स्पीशीज टू ये इंटरेक्टिंग स्पीशीज़ है देखिए आपस में इंटरेक्शन के बाद दोनों के ऊपर नुकसान कर रहा तो उसे हम क्या कहेंगे कम्पटिशन एमेंसिलिज्म में क्या होता है एक स्पीशीज़ को नुकसान हो रहा दूसरे को पे कोई असर नहीं पड़ रहा स्पीशीज सेकंड पे तो ये दिस टाइप इज कॉल्ड एमेंसिलिज्म पैरासिटिज्म में क्या होता है एक को हमारा क्या हो रहा है फ़ायदा हो रहा है बट एक को नुकसान हो रहा है तो इस तरह के इंटरेक्शन को पैरासिटम कहते हैं और उसी तरह से एक को फ़ायदा हो रहा बट दूसरे फर्स्ट स्पीशीज को नेगेटिव उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पढ़ रहा दैट मीनस ये किसके अंदर आता है प्रेडिशन तो ये दोनों सेम है तो डिफरेंस कहां पे हुआ नीचे हम वन बाय वन पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे फिर के हिसाब से हमारे पास एक इंटरेक्शन है दैट इज द न्यूट्रलिज्म तो इसमें इफेक्ट क्या होगा ये फर्स्ट और दोनों स्पीशीज पे एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट अगर नहीं हो रहा है इंटरेक्शन के बाद कोई एक दूसरे पर ना हार कर रहा है ना फायदा पहुंचा रहा तो वो न्यूट्रलिज्म के अंदर आएगा उसी तरह से कमेंसिलिज्म क्या होता है देखिए यहां पे इसको फायदा हो रहा है और सेकंड स्पीशीज पर इंटरेक्शन के बाद कोई असर नहीं कर रहा तो वो कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है प्रोटोकॉपरेशन

और यहाँ पे कंपटीशन हमारे पास दो तरह के होता है इंट्रा स्पे, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जब डिफरेंट स्पीशीज़ ये डियर है इसके लिए आपके टाइगर और लाइन दोनों रल रहा है और दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ के हैं तो ये क्या हुआ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन और साथ में इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन क्या होता है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन दो सेम स्पीशीज़ के बीच में हाइना और हाइना ये देखिए यहाँ पर लड़ रहे हैं सेम फूड के लिए तो ये इंट्रा स्पेसिफिक कम्पटिशन हुआ और यहाँ पर ये चीज़ बताना मेन इंपॉर्टेंट है कि इंट्रा स्पेसिफिक कम्पटिशन नेचर में बहुत इंटेंस होता है एज़ कम्पेयर टू इंटर Why? क्योंकि इंट्रा वाले में सेम स्पीशीज हैं तो उनका सेम फूड हैबिट होता है उनका रिसोर्स नीट सेम होता है तो जनरली बहुत एग्रेसिव होता है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन एज कंपेयर टू इंटर याद रखिएगा फिर उसके बाद ओडम साहब ने जो है ना आपके कंपटीशन को दो टाइप में डिवाइड करा है डायरेक्ट इंटरफेरेंस टाइप और रिसोर्स यूज टाइप में डायरेक्ट इंटरफेरेंस टाइप कौन सा कंपिटिशन होता है इसमें जो है ना स्पीशीज आपस में डायरेक्टली इनहिबिट करता है एक दूसरे को एक दूसरे को नुकसान पहुंचाता है रिसोर्स यूज टाइप में यह कहा कि इनडायरेक्ट इनिबिशन आपस में एक दूसरे के सामने नहीं आता आपस में एक दूसरे के बिल्कुल फिजिकल कॉन्टेक्ट में नहीं आता और कब होता है है जब हमारा कॉमन रिसोर्स जो ना शॉर्ट सप्लाई में हो, उस टाइम आपको ये देखने को मिलता है फॉर दो हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ कभी लड़ने नहीं आता जिस तरह से ऊपर एनिमल्स देख रहे हैं मगर मान लीजिए यहां पर सॉयल में न्यूट्रिशन की कमी होने लगी तो यह आपस में लड़ेंगे कैसे ज्यादा इनटेक करने की कोशिश करेंगे न्यूट्रिशन को तो इस तरह के कंपटीशन जहां पे दोनों आपस में एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा तो उस तरह के कंपटीशन को रिस सोर्स यूज टाइप कहा जाता है ठीक है फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कंपटीशन के अंदर दैट इज दी कंपिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल और ये कंपिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल गॉसिस प्रिंसिपल भी कहते हैं ये क्या कहता है एक्सक्लूजन लिखा है एक्सक्लूजन मीन एक्सक्लूड निकाल देना ये एक्सक्लू गॉस प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी दो स्पीशीज आपस में एक इन्वायरमेंट में अगर वो कंपीट कर रहा है तो लंबे समय के लिए दोनों जो है ना वो सर्वाइव नहीं करेगा दोनों में से एक को जो है ना वहाँ से निकल जाना है या एक को किल कर दिया जाता है ये गॉसिस आपका प्रिंसिपल बोलता है ठीक है इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म स्टेट डेट ए कंप्लीट कम्पिटेटर कैन नॉट को एग्जिस्ट मगर यहाँ पे एक कंडीशन है याद रखिएगा ये है कि इफ टू कंपिटेटिंग स्पीशीज जो है ना अगर को एग्जिस्ट करेगा तो एक कंडीशन के साथ करेगा वहां पे निच डिफ्रेंशिएशन होता है मीन्स वो अपना फूड हैबिट के लिए अगर फूड के लिए अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल लड़ रहे हैं यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म दो एक बकरा है और एक मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल शीप है दोनों सर्वाइव नहीं करेगा फूड ऑलरेडी कम है मगर वहाँ नीच डिफ्रेंशिएशन एक ऊपर वाला पोर्शन खाए और नीचे वाला रूट खाने लगा इस तरह से अगर वो लोग नीच डिफ्रेंशिएशन अपना हैबिट जो है ना चेंज कर दे उस टाइम ये को एग्जिस्ट कर सकता है यहाँ पे एक कंडीशन ये चीज़ है यहाँ पे कंपिटेटिव एक्सकलूशन प्रिंसिपल का एक बेस्ट एग्जाम्पल है एबेंडिगो टोटोराइज तो जो गैला आइलैंड में जो है ना वो पहले बहुत हुआ करता था बाद में जहाँ पे गॉड भी आया और घोड़ का जो ग्रेजिंग जो है ना वो घास खाने का क्षमता बहुत ज़्यादा था तो बाद में ये टोटोराइज जो है ना वहाँ से गायब हुआ ये इसी कंपटिटिव एक्सकुलेशन प्रिंसिपल के माध्यम से क्यों क्योंकि यहाँ पे लंबे समय के लिए दो स्पीशीज जो है ना आपस में कंपटीशन आपस में को एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो यहाँ पे टोटोराइज कमज़ोर था तो ये लास्ट में वहाँ से क्या कर गया बिकम एक्सटिंक्ट ठीक है फिर उसी के बाद हमारे पास नेक्स्ट है लोडका वोल्टेरा मॉडल लोडका वोल्टेरा मॉडल जो है ना ऊपर वाले का जो है ना ये आउटकम ऑफ कंपटीशन बताता है बिटवीन टू स्पीशीज कि कोई एक्जिस्ट करेगा कि वहां से एक स्पीशीज जो है वो इलिमिनेट किया जाएगा और लोडका वोल्टेरा मॉडल बेस्ड ऑन दी ठीक है लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन के ऊपर है कंपिटिटिव एक्सक्शन प्रिंसिपल यह सिर्फ सिद्धांत है लॉडका वोल्टेरा मॉडल जो है ना वो डिस्क्राइब करता है कि एक पॉपुलेशन में मान लीजिए दो स्पीशीज आपस में अगर कंपीट कर रहा है तो वो कोई सिस्ट करेगा या वो एक को निकाल के फेंक देगा ये वॉट का वोल्टेरा मॉडल बताता है और ये बेस्ड ऑन द लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन है और ये मॉडल है याद रखिएगा ऊपर वाला प्रिंसिपल है तो so नेक्स्ट हमारा स्पीसीज इंटरेक्शन में आता है एमेंसेलिजम एमेंसेलिजम क्या है साइंस ही लग रहा है एक के ऊपर कोई असर नहीं करेगा और एक को नेगेटिव इंपैक्ट होगा तो वन रिमेंस अन इफेक्टेड वाइल अदर इनहिबिटेड इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा एलोलोपैथी एलोलोपैथी होता क्या यहां पे इस डायग्राम में देखिएगा ये एक मान लीजिए ट्री या प्लांट ग्रो कर रहा है ये ट्री जो आपने उसके कुछ केमिकल्स होते हैं जिसके प्राइमरी नीड होती है दैट वी कॉल्ड इन अ प्राइमरी मेटाबोलाइट और कुछ केमिकल एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं जो उसके प्राइमरी नीड का नहीं होता दैट वी कॉल्ड इन अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट और वो केमिकल जो है ना इनके पत्तियों के ऊपर निकल के आता है सॉइल में गिरता है जब रेनफॉल होती है और वो सेकेंडरी मेटाब्लाइट दूसरे जो प्लांट्स होता है ना सराउंडिंग इन्वायरमेंट के जो प्लांट्स होता है उन पर बुरा असर डालता है उनको ग्रोथ करने नहीं देता एंड सच सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर कॉल्ड एलिलो केमिकल्स तो इसकी वजह से हुआ कि अगर ये प्लान ग्रो भी करेंगे ना इस ट्री को कोई इम्पैक्ट नहीं होगा मीन्स इस ट्री इस प्लान के होने या ना होने से इस ट्री को कोई असर नहीं पड़ेगा बट इस प्लान्ट जो है ना ये जो है ग्रोथ नहीं कर रहा क्यों क्योंकि इसने केमिकल प्रोड्यूस करा तो क्या हुआ इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा छोटे प्लांट पे और इस प्लांट को कोई असर नहीं कर रहा तो इट इज इन अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ चैपेरल्स जो बायोम में जो शर्ब्स होती है वो भी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है केमिकल्स प्रोड्यूस करता है और वहां पर हर्ब्स नहीं बढ़ता ये भी अमेंसिलिजम का एग्ज़ाम्पल है क्योंकि हर्ब्स पे बुरा असर पड़ता है हर्ब्स के होने या ना होने से शब पे कोई असर नहीं करेगा उसी तरह से हमारे पास फिर आपके पेंसिलिन पेरे पार्थिनियम और साल्विया ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करता है और सराउंडिंग प्लांट्स को बुरा असर करता है उनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है उसी तरह से यहाँ पे एक गार्डन है यहाँ पर मान लीजिए इस फील्ड में देखिए ये कैटल जो है ना ये काउ दौड़ रहा है इस काऊ के दौड़ने की वजह से इसके नीचे जो ग्रासेस आएंगे ना वो डैमेज कर जाएगा तो ग्रास पे ऊपर क्या पड़ रहा है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है बट इस काउ को कोई असर नहीं पड़ रहा तो ये कौन इंटरेक्शन हुआ दैट इज द एमेंसिलिज्म उसी तरह से आपका पेनिसिलियम जो जो हो बैक्टीरिया होता है ना जो पेनिसिलिन प्रोड्यूस करता है वो सराउंडिंग बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देता उनके बढ़ने से इन पे कोई असर नहीं करेगा बट जो सराउंडिंग वो किल हो रहा तो सराउंडिंग बैक्टीरिया पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा उनके होने से भी इस पे कोई असर ना होता तो ये भी आपका एमेंसिलिज्म के अंदर आएगा चलिए नेक्स्ट हमारा स्पीशीज इंटरेक्शन है दैट इज द पैरासिटिज्म दैरासिटिज्म साइंस से ही पता लग रहा है एक इंटरेक्टिंग स्पीशीज को फायदा होगा और दूसरे को नुकसान होगा ठीक है तो जो जिनको नुकसान होगा वो जनरली लार्जर इन साइज होता है और जिनको लिए फायदा होता है वो जनरली स्मॉलर इन साइज होता है और यहां पे प्रिडिशन से अलग ये भी है नेक्स्ट हम प्रडिशन पढ़ेंगे यहां पे जो है ना जो आपका पैरासाइट होता है वो रेयरली कॉज डेथ मीन्स अपने होस्ट को कभी नहीं मारता यहाँ पे याद रखिएगा मगर प्रिडिशन में आपका किलिंग इन्वॉल्व होती है और यहां पे ये स्मॉलर देन होस्ट होता है पैरासिटिज्म यहां पे ट्रेडिशन से डिफरेंस समझिएगा ऑन द बेस ऑफ साइज हमारे पास दो तरह के पैरासाइट है पैरासाइट जो कि माइक्रोस्कोपिक होती है जैसे कि वायरस बैक्टीरिया और पैरासाइट जो कि बड़े होते हैं पैरासाइट में हमारे पास दो तरह के एक एंडो पैरासाइट जो कि आपके बॉडी के अंदर रहेगा किसी बॉडी के अंदर रहेगा ऑर्गेनिज्म के वही एक्टो पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि बॉडी के बाहर दे के अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है और यहाँ पे ये चीज एग्जाम्पल है ये आपका मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो है देखिए ये एक्टोपेसाइट के एग्जाम्पल है वही इंटेस्टाइन में ये राउंड वार्म है या मान लीजिए कोई भी वार्म है जो आपके इंटेस्टाइन में है तो ये इंडो के एग्जाम्पल है और ये दोनों आपके माइक्रोपेरासाइट्स है जो दिखता है माइक्रोपेसाइड तो हमारे आंखों से दिखेगा नहीं और याद रखिएगा फनजाई जो है ना इज द मोस्ट कॉमन माइक्रोपेसाइट जो है ना प्लांट्स के ऊपर आपका पाया जाता है इवन एनिमल्स पर भी और यहां पे एक एग्जाम्पल है ये आपको दिख रहा है इस प्लांट के ऊपर जो यहाँ पे क्रॉल किया गया है दैट इज द कस्कुटा प्लांट और कस्कुटा प्लांट जनरली स्टार्टिंग में जो है ना वो रोटेट होती है बाद में जब किसी स्टम के ऊपर ये अटैच हो जाता ना, sorry, है।, है।, factual, है? है ना ये अपना रूट से कनेक्शन से कनेक्शन कनेक्शन सॉरी छोड़ छोड़ देता देता है 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 रूट का क्यों क्योंकि ये जो ना इस प्लांट के से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है तो जिस प्लांट से ये न्यूट्रिशन डिराइव करता है उस प्लांट को नुकसान होता है और इस Qascuta को तो फायदा होगा और कस्कोटा याद रखिएगा टोटल स्टम्प पैरासाइट है याद रखिएगा उसी तरह से हमारे पास एक बेस्ट एग्जाम्पल है रेफ्लिशिया ये टोटल रूट पैरासाइट होता है दूसरे प्लांट के रूट के ऊपर डिपेंड करता है उसी तरह से ये तीनों एग्जाम्पल्स है और बैंक की Conopholis or Iphigus, these three are also total root parasite in case of plant. और जनरली प्लांट्स में जो है ना अराउंड फोर थाउजेंड स्पीशीज जो है ना पैरासिटिक प्लांट्स रिपोर्टेड है अबाउट वन परसन ऑफ इनजोस्पर्मिक प्लांट जो है ना आपके पैरासिटिक प्लांट्स होता है ये भी चीज़ देखा गया है फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो तरह के पैरासाइट्स होता है टेम्परेरी और परमानेंट यहाँ पे ये चीज़ समझेगा जो आपके इंटेस्टाइन में वॉर्म होता है वो परमानेंट होता है क्योंकि वहाँ पर हमेशा रहता है वहीं जो मच्छर जो है ना थोड़े समय के लिए होता तो समझ गए टेम्पररी जो थोड़े समय के लिए रहे और परमानेंट जो कि ऑल टाइम रहता है फिर उसमें हमारे पास पैरासीटम में कुछ डिफरेंट टर्म्स जो इंपॉर्टेंट है हाइपर पैरासिटिज्म क्या होता है एक पैरासाइट जो है ना लिविंग ऑन अनदर पैरासाइट फॉर एग्जांपल ने ये वायरस है ये बैक्टीरिया के ऊपर जो है ना बैक्टीरिया के ऊपर मान लीजिए किल करता बैक्टीरिया को किल करता और ये बैक्टीरिया अपने आप में एक पैरासाइट है जो मान लीजिए आपके इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया पैरासाइट हुआ अब इस बैक्टीरिया के ऊपर भी आपका बैक्टीरियो किल कर रहा है तो इस तरह को हम क्या कहते हैं हाइपर पैरासिटिज्म उसी तरह से नेक्स्ट है ब्रूट पैरासिटिज्म इसमें क्या होता है पैरासिटिक जो बर्ड होती है ना जैसे कि कुकू अपना अंडा छोड़ देता है किसके कॉ के क्राओ के जो नेस्ट में अपना अंडा छोड़ देता है और क्राओ अपना अंडा समझ के जो है ना उसको पूरा देखभाल करके वहाँ से हैचिंग हो जाती है तो इस काओ का नुकसान हुआ कुकू को फ़ायदा होता है इस तरह के एग्जाम्पल को हम कहते हैं ब्रूट पैरासिटिज्म होलो पैरासाइट यहाँ पर ये जो आपके पैरासाइट जो है ना कंप्लीटली डिपेंड होता है अपने हॉस्ट के ऊपर अपने सर्वाइवल के लिए हेमी पैरासाइट क्या होता है पार्शली डिपेंड होता है मीन्स वो पार्शली डिपेंड होगा कुछ काम अपने से कुछ फूड अपने से बना लेगा जैसे कि विस्कम ऑन ओक ऑन मैंगो ये दोनों विस्कम और दीज आर द द्स ऑफ हेमी पैरासाइड एक हमारे पास टर्म है दैट इज दैरासीटॉइड ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा यहाँ पे क्या है ये ऑर्गेनिज्म मान लीजिए किसी होस्ट के साथ अटैच है देखिए हमने कहा था कि पैरासिटिज्म में किलिंग इन्वॉल्व नहीं होता मगर यहाँ पे पैरासो में अल्टीमेटली एट एंड डे वो उस होस्ट को मार देता है फिर उस होस्ट से अपना सारा वो फूड जो है वो डिराइव करता है तो इस तरह के फिनोमेना को पैरासोईटॉइड कहा जाता है याद रखिएगा और एरेसिथोबियम ये एग्जांपल याद रखिएगा स्मॉलेस्ट पैरासिटिक इंजोसपाम है उसी तरह से यहाँ पे एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इसे पैरासाइट कंसीडर नहीं किया जाता वाई क्योंकि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है ना किसी इंसान के ऊपर काटता है फॉर रिप्रोडक्शन नॉट फॉर द फूड इसीलिए ये पैरासाइट के अंदर नहीं आता यहां से ये चीज़ याद रखिएगा ये रेफ्लेशिया टोटल रूट पर ऐसा ढेलने ये उसी का डायग्राम है ये जो आपको रेड कलर से दिख रहा है दैट इज दी रेफ्लेशिया तो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल फिर उसमें आता है आपका स्पीशीज इंटरेक्शन के अंदर द डिज प्रडिशन ये एक ऐसे जिसमें एक को नेगेटिव इम्पैक्ट हो और एक के ऊपर बोसा लाइक पैरासिटिज्म की तरह ही है बट यहाँ पे होता है कि हाँ प्रडिटर जो है ना यहाँ पे बड़े होते हैं वहाँ पर जिसको फ़ायदा हो रहा था वो छोटा था यहाँ पर जिसको फ़ायदा होता है वो बड़ा इंसाइज होता है और यहाँ पर किलिंग इन्वॉल्व होता है किस में प्रडिशन में और वहाँ पर किलिंग इन्वॉल्व नहीं था किस में पैरासीटिज़म में और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका कॉर्नीवरस एनिमल जैसे कि आपके वाइल्ड जो आपके कार्नीवरस एनिमल्स है टाइगर लाइन डियर के ऊपर अटैक करता तो यहाँ पे इसको तो फायदा हो रहा है क्यों क्योंकि उसको फूड मिल रहा वही डियर जो है ना बेचारा किल कर जाता हो तो उसका नुकसान है ठीक है तो ये प्रेडिशन के एग्जाम्पल है उसी तरह से बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास एक आता है हरबीवरी हरबीवरी क्या होता है जब आपके प्लांट जो है ना प्लांट जो है ये आपके प्लांट्स को खाया जाए जो आपके डियर कव जो हरबीवर जो प्लांट्स को खाते हैं तो इसमें क्या हुआ प्लांट का नुकसान और प्लांट है की किलिंग हो रही है और इस हरबीवर इस कव या इस को फायदा हो रहा तो ये भी एग्जाम्पल है आपका हरबी बोरी के अंदर फिर उसी के साथ हमारे पास एक प्लांट है, है कार्निवरस प्लांट का ये जो है ऐसे एनवायरमेंट में होता है जहां पर न्यूट्रिशन बिल्कुल ही नहीं होता सॉइल में तो न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए ना ये जो भी बीज आता है ना इसके पास उनको पकड़ता है और उनको किल कर देता है टू टू मीट दी नाइट्रोजन डिमांड तो इसमें क्या हुआ एक प्लांट जो है एक एनिमल को एक इंसेट को मार दे रहा ये यह यहाँ पे प्रिडेटर व इन्वॉल्व है दैट मींस यहाँ पे इस बी का नुकसान है और वो प्लांट का फ़ायदा है और यहाँ पर यह चीज़ याद रखिएगा प्रिडेटर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ एक फॉर एग्जाम्पल वाटर हाइसिंथ आप लोगों ने सुना होगा ये एक टाइम एग्जॉटिक स्पीशीज है बाहर से आया था और ये वाटर बॉडी में इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाना इसका कोई नेचुरल प्रिडेटर नहीं था इन्वायरमेंट में तो

तो गेम्स के अंदर आपको अलगी फनजाए ब्रायो टेरिडो लाइकन सारा डिटेल डिस्क्राइब करा हुआ जिम्नोसपम भी अलग से डिस्क्राइब करा हुआ जितने भी टॉपिक्स आप लोग देखेंगे ना जो भी हेडिंग देखेंगे वो ब्लड पॉइंट फॉर्म में है जो कि इस बुक को बहुत ही यूनिक बनाता है जिसे चीज़ें समझने में आपको रिमाइंड करने में बहुत आसानी होगी अगर आपको इस वीडियो लेक्चर का वीडीएफ चाहिए जितने भी वीडियो लेक्चर्स मैंने अभी तक अपलोड करा है ना उन सब का अगर आपको पी चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है वहाँ पर उस लिंक पर क्लिक करिएगा तो आप उस ऑफिशियल वेबसाइट में जाके एक नॉमिनल चार्ज दे इन सारे पी को एक्सेस कर सकते हैं साथ में वहाँ पर आप बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं और मेरे सारे वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं